हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैरोमीटर के बारे में। ओके दोस्तों, और ये बैरोमीटर क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके तमाम फैक्टरों पर हम बात करेंगे। जैसे कि ये आंधी और वर्षा और दिन साफ होगा, इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है, यानी कि मौसम संबंधी जानकारी हमें कैसे मिलती है इसके द्वारा। ओके दोस्तों, इसका जब पाठ्यांक ऊपर जाता है तो क्या होता है और नीचे जाता है तो क्या होता है, और ये हम ट्रिक के द्वारा कवर करेंगे। दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो लेट्स द स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, यदि हम बैरोमीटर के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो ये वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और इसी की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यदि खोज की बात करें तो एक इटालियन वैज्ञानिक जो कि इवान गैलिस्टर नाम के थे, उन्होंने 1644 ईस्वी में इसका खोज किया था। ओके दोस्तों, और इसका बैरोमीटर के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में है क्लासिक मरकरी बैरोमीटर और नंबर दो है एनरोइड बैरोमीटर, यानी कि ये जो है, ये चित्र में आपको दिखाया गया है, ये क्लासिक मरकरी बैरोमीटर है और ये नंबर दो पे है, ये है एनरोइड बैरोमीटर। तो दोस्तों, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके, हम कैसे मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, बैरोमीटर का प्रयोग कैसे होता है, इस पर हम बात करेंगे। ओके, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। यानी कि दोस्तों, ये बैरोमीटर का जो ये एरो जब नीचे तुरंत गिरता है, एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है, ऐसे वैज्ञानिक लोग पता करते हैं लोग। ओके, कि और दोस्तों, अब इसको याद करने की बात आई, याद कैसे करेंगे, यानी यहाँ रहा आंधी, और आंधी आप देखते होंगे कि एकाएक यानी तुरंत बहुत जल्दी आती है, तुरंत आंधी आती है, बिल्कुल से तेजी के साथ आंधी आती है। और आंधी कहाँ आती है, तो क्या आसमान में आंधी आती है? नहीं, तो नीचे आती है, यानी कि जमीन के ऊपर आंधी आती है, यानी कि नीचे नीचे नीचे, यानी कि कांटा भी नीचे गिरता है और आंधी भी नीचे आती है। और कैसे आती है, तुरंत आती है, एकाएक देखते ही आंधी आती है। दोस्तों, आप देखते होंगे आंधी को, आंधी तुरंत ही आ जाती है, जैसे आपको दिखाया गया है, आंधी तुरंत ही आ जाती है बिना देर करे, ऐसे आपको याद रहेगा। तो अगला पॉइंट की बात करें, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। यानी कि इसका जो बैरोमीटर का एक पाठ्यांक है, जब धीरे धीरे ऐसे ऐसे नीचे गिरता हल्का हल्का, यानी कि वर्षा होने की संभावना रहती है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ आ रहा धीरे धीरे नीचे गिरता है, और बारिश की करें दोस्तों तो बारिश भी एकदम से नहीं होती कि तुरंत आ जाए होने लगे बारिश, बारिश से पहले एक दो बूंद आएगी, यानी कि धीरे धीरे बारिश आएगी, ऐसे ऐसे कभी कभी इधर उधर गिरेगी, यानी धीरे धीरे बारिश होती, पहले एक दो बूंद गिरेगी फिर दो चार, ऐसे भी तेज होती बारिश चली जाएगी, यानी कि धीरे धीरे नीचे गिरती है क्या, बूंदे, बारिश की बूंदे, वैसे आपको याद रहेगा, जैसे भी बारिश होगी तो आपको याद आ जाएगा कि धीरे धीरे बारिश हो रही, यानी कि बारिश की बूंदे धीरे धीरे नीचे गिर रही हैं और नीचे ही गिर रही है, ऐसे बैरोमीटर का पाठ्यांक है, जो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना रहेगी। अब अगला है दोस्तों, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, यानी कि ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। यानी कि जो बैरोमीटर का ये पाठ्यांक है, जब धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऊपर को जाता है, ये हायर में ऊपर ऊपर जाता है तो दिन साफ रहने की बात होती है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि दिन साफ कैसे होता है, यानी दिन कैसे होता है, तो आप बोलेंगे कि दिन जब सूर्य ऊपर निकलता है, यानी कि जब सूर्य आता है सुबह तभी दिन होता है। तो दोस्तों, सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है हमारा, वो धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे ऊपर से पहले थोड़ा सी उसकी लालिमा दिखाई देगी, फिर थोड़ा सा कुछ उसका लाइट दिखाई देगा, यानी कि धीरे धीरे ऊपर आता है वो, ऊपर हमारे ऐसा लगता है कि पृथ्वी से निकल रहा है वो धीरे धीरे, आए ऐसे आपको याद रहेगा दोस्तों कि वो धीरे धीरे ऊपर को जा रहा है, इसलिए दिन साफ रहेगा। अगर दोस्तों सूर्य जो है अगर हमारा ना निकले तो दिन साफ नहीं रहेगा, बदली रहेगी या फिर अंधेरा रहेगा, ऐसे आपको याद रहेगा, यानी दिन को साफ करेगा सूर्य और सूर्य धीरे धीरे ऊपर निकलता है, यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहता है, इसीलिए
दिन साफ रहता है तो सूर्य भी धीरे धीरे ऊपर उठता है ऐसे। ओके दोस्तों, ऐसे आपको याद रहेगा। आशा है कि दोस्तों आप समझ पाए होंगे ये फैक्ट, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि तीन फैक्ट हैं और हमने इसको ट्रिक के द्वारा बता दिया है, जो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो, ट्रिकी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और एक बात, हाँ, अगर दोस्तों आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो एक चैनल है मोहित चक्रवर्ती, वहाँ से आप पढ़िए, बहुत ही मजा आपको आने वाला है क्योंकि वो एक क्वेश्चन के बहुत सारे फैक्ट बताते हैं, जितने क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं या फिर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे वहाँ से वो हमेशा उनको फैक्ट बताते हैं, बहुत ही गजब का पढ़ाते हैं दोस्तों। आप एक बार उनके चैनल में विजिट करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।